ओके तो ये क्वेश्चन करते हैं आज। 387 इसका सीरियल है और टाइटल है फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन ए स्ट्रिंग एस, एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका जो आइडेंटिफायर होगा वो एस होगा, और हमने करना ये है कि फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन इट। हमने फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर फाइंड करने हैं एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स, और जहाँ पे कोई ऐसा नॉन रिपीटिंग करेक्टर हमें मिल रहा है उसका इंडेक्स हमने दे देना है, और इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न -1। अगर ऐसा कोई करेक्टर नहीं मिल रहा हमें तो हमने -1 रिटर्न कर देना है। एग्जाम्पल इसकी है, एक स्ट्रिंग है एस और लीड कोड इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, LEETCODE। तो अब इसको पढ़ना शुरू करें, इसमें एल है, EETCODE। तो हमने एक ऐसा करेक्टर का इंडेक्स रिटर्न करवाना है जो के नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, और यूनिक हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर एल को देखें तो सबसे पहले हमें ये मिला है और ये यूनिक है। यूनिक नॉन रिपीटिंग मतलब यूनिक के मतलब वो आगे रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा करेक्टर जो कि यूनिक हो यानी कि रिपीट ना हो रहा हो स्ट्रिंग में, और जो सबसे पहले हमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी मिसाल मिसाल दूँ ना, कि अगर ये एक बिल्ट इन फंक्शन है ए कोमा बी, अगर ये दो वैल्यू सेम है ना तो हमने एक और एक रिटर्न करवा देते हैं। इसी तरह मिन का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि ए कोमा बी है ना, तो इन दोनों अगर ये दोनों वैल्यू सेम है ना वो फर्स्ट वन को रिटर्न करवा देता है। हमने यही देखना है इन केस एक स्ट्रिंग आ जाती है हमारे पास इस तरह की कुछ ए बी, इसको ट्रिपल ए कर देते हैं, ट्रिपल ए कर दी हमने, और हाँ बी बी बी, ठीक है, ये करेक्टर है इसके अंदर, और यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। ए जो है ये हो रहा है 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है, बी जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, सी जो है वो यूनिक है, ठीक है। तो अब हमने सी का इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। इन केस अभी जैसे सी था, मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ और एक्स लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ। सी वी एक्स और जी जो है ये नॉन रिपीटिंग करेक्टर है, यानी ये यूनिक हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसे मैं जूम कर दूँ, सी वी एक्स सी ये यूनिक हैं। तो अब होना ये चाहिए था कि इन चारों में से कोई एक का इंडेक्स रिटर्न करवा दें, लेकिन वो कह ही रहे हैं कि जो यूनिक है ना करेक्टर, जो फर्स्ट यूनिक करेक्टर है उसे रिटर्न करवा देना है, यानी जो सी है इसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। सॉरी, ये चीज़ समझ आती है आपको? इसमें जी कोई क्वेश्चन हो, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, बाकी लोग जो हैं। ठीक है, तो इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किसी के ज़हन में कोई अप्रोच आती है? बताएं, सोचें आप लोग। तो इसको हम हैश मैप में रख सकते हैं, ठीक है। हैश मैप में क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एल जो है वो 1 दफ़ा आया है, तो एल के अंगेंस्ट में लिख दूंगा 1। ई जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, ई के क्रॉस में लिख दूंगा 3। टी के क्रॉस 1, सी के क्रॉस 1, ओ के क्रॉस भी 1, डी के क्रॉस भी 1, ठीक है। तो ये जैसे
होता है कि हैश मैप पे ना वो आ रहे होते हैं आपके। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह की मिसाल आपको दे देता हूँ। पहली पहली 5 है, 4, 3, 3 लिख देते हैं, और मतलब एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 1 1 1 1, ठीक है, कुछ इस तरह का हम कर देते हैं। यानी कि अगर ये करेक्टर एल है, ई है, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी, तो अब क्या करना है कि आपने 1 को फाइंड करना है, 1 कहाँ पे हमें मिल रहा है। तो 1 तो इतने सारे मिल रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट 1 है ना, जैसे ये फर्स्ट 1 है, ये हमें कंफर्म होगा कि ये यूनिक है, ठीक है। तो इस 1 के अक्रॉस जो की पड़ी होगी ना, जो करेक्टर पड़ा होगा, हमने वो रिटर्न करवा देना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले थोड़ा सा कोड एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम इसे ट्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है, ठीक है। अनऑर्डर्ड के अंदर ये होता है कि ना, जो ऑर्डर्ड मैप होता है उससे इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप हमने बनाया है जो करेक्टर्स के अक्रॉस हम इंटीजर्स को रख पा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये हैश फंक्शंस होते हैं जिन पर ये हैश मैप्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैप जो होते हैं इसके पीछे जो हैं वो हैश फंक्शंस होते हैं, और या डेटा को रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, या डिलीट करने के लिए ना, किसी भी डेटाबेस में से या किसी भी किसी भी डेटा में से, जो इनकी स्पीड होती है ना, एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, वो कदरे फास्ट होती है, ठीक है। एक एक रेंज बेस्ड फॉर लूप लगाया है, ठीक है, जो कि गिवन स्ट्रिंग एस में से ईच करेक्टर को सी के अंदर लेके आएगा हर इटरेशन के अंदर, ठीक है। और एक फॉर लूप हमने लगाई है जो कि स्ट्रिंग के साइज तक चलेगी, ठीक है, और जो काउंट के नेम से हमारा काउंट के नेम से जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप है ना, जैसे ही उसे फर्स्ट 1 मिलेगा ना, वो उस जगह का इंडेक्स रिटर्न करवा देगा। इन केस हमें कुछ भी नहीं मिल पाता इस ऑर्डर मैप में से, ठीक है, देन हम क्या करेंगे कि ये रिटर्न -1 करवा देंगे, जो कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप -1 को रिटर्न करवा दो, ठीक है। अब ज़रा इसे हम स्टार्ट करते हैं ट्राई रन करना। ये तो आपका मैप का सिंटेक्स हो गया, अनऑर्डर्ड मैप का, ठीक है। ये सिंटेक्स है करेक्टर्स के क्रॉस इंटीजर्स होंगे, और जैसे एरे का कोई आइडेंटिफायर होता है, ARR, या कोई भी आप वेरिएबल नेम दे देते हैं, तो अनऑर्डर्ड मैप को कॉल करने के लिए हम ये काउंट, हमेशा काउंट को कॉल करेंगे, तो मतलब कि हम अनऑर्डर्ड मैप को बेसिकली कॉल कर रहे हैं, इसको यानी ये अनऑर्डर्ड मैप का आइडेंटिफायर है, ठीक है, नेम है इसका, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये जो है जैसे आप फॉर ये लिखते हैं ना, इसके अंदर फॉर आई इन एस, इससे क्या हो रहा था पाइथन के अंदर ना, ये आप आई के क्रॉस एस में से करेक्टर्स आ रहे होते हैं, तो सिमिलरली ये सेम चीज़ है, ठीक है। ये लूप सेम है, ठीक है, बस इसका सिंटेक्स है, लेकिन मतलब इन दोनों का ना सेम है, ठीक है। अब कर ये रहे हैं कि हम जो करेक्टर ले रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से करेक्टर आ गया, ठीक है, हम कर ये रहे हैं कि काउंट के अंदर जाके ना इसको ना यहाँ पे सी आउट सी करवा के देख लेते हैं कि इससे हमें क्या आउटपुट स्पेलिंग मिल रही है। रॉन्ग है, यहाँ पे इसका टेस्ट स्पेलिंग रॉन्ग है किस काउंट के, चीज़ के, काउंट की स्पेलिंग के सी ओ यू टी लिखा हुआ है आपने। नहीं, वो सी आउट तो हम करवाएंगे, अच्छा अच्छा सी आउट तो जैसे प्रिंट है ना वो है, ओ ठीक
क्या आ रहा है? ये कैपिटल सी नहीं, स्मॉल सी ही है ये भी, तो क्या यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर सी. ओके हाँ, मुझे ये समझ आ गया. हाँ सॉरी, ये जो ब्रेसिस है ना, ये इसकी मिसिंग थी, क्योंकि ये लूप का एक ही लाइन तक हमारा वो है, स्कोप है. तो ये देख लें कि हर लेटर के क्रॉस ना उसकी अक्रेंस हमें मिल रही है. ठीक है, अगर मैं इसे ये कर दूं कि हर 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 लाइन के ऊपर हम ये चेक कर लेना. ठीक है, तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई है, जो भी इसे करेक्टर मिला है, फॉर एग्जांपल इसे एल मिला है ना, ठीक है, तो इसने एल के क्रॉस जो की हमें इंटीजर वैल्यू जो यहाँ पे डिफाइन की है ना, वो हमें 1 मिल गई है. ठीक है, सेकंड के अंदर हमें जब ई आया है, अभी हमें ई फर्स्ट टाइम मिला है, ठीक है, तो ई के क्रॉस भी हमारे पास 1 आ गया. ठीक है, थर्ड आइट्रेशन के अंदर हमें ई एक दफा और मिल गया है, तो ई को उसने क्या किया, 2 कर दिया. ठीक है, ये प्लस प्लस यही कह रहा है कि जो काउंटर मिल रहा है ना, बेसिकली हम इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं. तो ये लेटर हमें मिला तो हमने प्लस प्लस कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ आइट्रेशन पे ये टी टी आ गया हमारे पास. ठीक है, तो जो टी है, अब टी हमें नहीं पहले मिला हुआ, तो टी के क्रॉस अभी भी 1 है. ओके, तो ओके नेक्स्ट हम कहाँ तक पहुंच गए थे? ई ई ई तक हमने देख लिया था, देन टी टी भी हो गया था कवर. अब जैसे ही ये आइट्रेशन के क्रॉस सी आया ना हमारे पास, ओके, तो ये सी के क्रॉस भी 1 हमारे पास आ गया है, ओ भी हमें फर्स्ट टाइम मिला है, डी भी हमें एक ही दफा मिला है, ई भी हमें एक ही दफा मिला है. मैंने ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमें मिली है ना, मैं इसके अक्रॉस वो लिख देता हूँ. पहले ये स्ट्रिंग, हमें ये स्ट्रिंग भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये लीट कोड है. और ठीक है, अब हमारे पास एल जो है वो 1 के अक्रॉस है, ई जो है अभी भी 1 के क्रॉस है, ई एक दफा और हमें मिल गया, तो इसको हमने 2 2 लिख दिया, क्योंकि ई हमें पहले मिल चुका है. इसके अंदर एक्सेल में प्लस प्लस हुआ है, एक का इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, देन हमें टी मिल रहा है, टी की वैल्यू हमारे पास अभी कोई भी नहीं है पहले, तो ये 1 ही है. देन सी मिला है, सी भी पहले हमने कभी फेस नहीं किया. ओ मिला है, वो भी हमने कभी पहले फेस नहीं किया. ठीक है, और डी जो है वो भी हमने कभी नहीं पहले फेस किया. और ई जो है, यस, ई हम पहले फेस कर चुके हैं, तो ई की करंट वैल्यू 2 है. ठीक है, अभी 2 के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ है, तो देन हमें ये 3 मिला है. ठीक है, अब इसका सीक्वेंस कैसे बन रहा है? ठीक है, अगर हम इसे ये करें कि अब ई की तो एक ही वैल्यू काउंट होगी, जो कि 3 है, सही है, और एल टी सी ओ डी ई, ठीक है, ये इस तरह आ गया. तो जो हमें फर्स्ट पे मिल रही है वैल्यू, जिसके अक्रॉस फ्रीक्वेंसी 1 है, हमने वो एलिमेंट जैसे एल है ना, उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है. रिटर्न इंडेक्स, ये जहाँ पे भी एल लाई कर रहा है ना इन अ स्ट्रिंग, तो उसका इंडेक्स हमने रिटर्न करवाना है. तो ये इसकी है, बेसिकली इस कोड में लिखा हुआ है. ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ थी ना, जो मैंने अभी ये रन किया था, अभी ये सिंपल इस फॉर लूप के अंदर हमें क्या मिल रहा है? और सॉरी, इसे कमेंट कर लेते हैं. तो इस लूप की एग्जीक्यूशन से ना हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं. ठीक है,
ओके, तो अभी तो है इसका, अभी तो ये इस, अच्छा ये बताएं इसके अंदर अगर आपको कोई है तो पहले इतने को देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। कोई कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन या कोई कुछ ऐड करना चाहूँ। अब मुझे नहीं समझ में आया ये जो फ्रीक्वेंसी आपने जो मालूम की है ना, वो मुझे समझ हाँ में नहीं आई ओके ओके, ये चीज़ बस आप देखें कि मैं ना इसको बस ये कह रहा हूँ कि जो लीड कोड लिखा हुआ है ना, इसको ना ऐसे कह रहा हूँ, हर हर है। ठीक लेटर जो है ना है। इसको अलग अलग कर दिया है। एल ठीक कितनी है। दफ़ा पहले रिपीट हो चुका है? एक दफा भी नहीं। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट इसकी अकरेंस थी। ई कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है? ए अभी अभी भी एक नहीं दफा हुआ। अभी नहीं हुआ। तो तो ये ई वन जो क्यों लिख है रहे हैं, वन क्यों लिख रहे हैं? मतलब कि ये अभी फर्स्ट टाइम जो है ना, ये अच्छा फर्स्ट टाइम अच्छा हमें नजर आया है स्ट्रिंग के अच्छा अंदर। तो अच्छा 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 ई ई ई की एक तो ई अब अकर हो रहा है, ई ये वन हो गया है, लेकिन एक दफा ई पहले भी अकर हो चुका है। जी ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू थी उसके अंदर वन प्लस करेंगे तो ना ये हम टोटल लिख देंगे कि ई अभी तक ना हमें 2 दफा मिला है। ठीक ठीक है, ये चीज समझ आती है। तो है। हाँ टी अभी हमें फर्स्ट टाइम मिला है, सी जो है ये भी अभी फर्स्ट टाइम ही मिल रहा है हमें, ओ जो है ये भी फर्स्ट टाइम ही मिला है, डी जो है ये भी हमें फर्स्ट टाइम ही मिल रहा है, ई जो है वो हमें पहले मिल चुका है। कितनी दफा मिल चुका है? 2 दफा मिल चुका है। 2 दफा मिल चुका है, तो ये तीसरी दफा हो गया। ई के क्रॉस मैंने 3 लिख दी है। सही है। ठीक है, तो ये है सिंपल। इसमें भी हमने यही काउंट किया है कि ये कितनी दफा आपको मिला है, और हमने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब आगे जो हमने चेक लगाना है ना, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया था, अब ये जो ईज है ना ई, अब ये जो दो मैंने हाईलाइट किए हैं लाइन नंबर 23 और लाइन नंबर 24 को, अब ये दो नहीं एग्जिस्ट कर रहे, सिर्फ ए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जिसके आगे 3 लिखा हुआ है, क्योंकि जो कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं हमारे पास, वो कीज लास्ट कभी वाली जो रिपीट नहीं मेरा ख्याल होती। है कि लास्ट वाली को वो करता है जो भी हाँ लास्ट बिल्कुल, होगी। हाँ क्योंकि ये जितने लेटर्स लिखे हुए हैं ना, एल टी सी ओ डी ई, ये यूनिक हैं, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकेंगे इस मैप की वजह से, अनऑर्डर्ड मैप की वजह से। ठीक है, तो ये ई हमारे पास लास्ट में थर्ड आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने जो सबसे पहले वन मिल रहा है ना हमें, ये सबसे पहले हमें वन मिल रहा है, इस वन के अक्रॉस कौन सा लेटर है? और एल एल है, और यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट पे एल हमें मिल रहा है इसका इंडेक्स कौन सा है? 0। 0। एग्जैक्टली, तो बस 0 को हमने रिटर्न करवा देना है, ये अच्छा एक हो गया हमारे बस। अच्छा अब यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर लूप है जो कि 0 से लेके स्ट्रिंग के साइज तक जा रहा है हमारे पास ना, ये 0 और ये ये साइज तक। ठीक है, मतलब ये इतना ही चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक, 8 तक ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, यानी कि ना यहाँ पे ये होगा आई इज लेस देन 8। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी जब आई जो है ना वो 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 7 टाइम्स लूप चलेगी, और चलनी भी इतनी दफ़े चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। अलबत्त साइज इसका 8 है लेकिन इंडाइसिस तो -1 होता है ना, एक हाँ ये इतनी दफ़ा हमारी लूप ठीक चलेगी। है। हाँ अब देख लेते हैं कि फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा हमारे साथ। अभी आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब जो लूप है ना हमारे पास वो इस पे नहीं चलेगा, सॉरी तो ये हमने हाँ ठीक है, ये चल इस पे रहा है, लेकिन ये वैल्यूज कौन सी सर्च करेगा इस आई के क्रॉस? ठीक है, अब आपने इस चीज को समझना है कि ये क्या, इस लाइन का मतलब क्या है। काउंट तो है ना जो हमारे पास, हमारा अनऑर्डर्ड मैप है ये, आपने बल्कि इसे खराब नहीं करते, नीचे ले जाते हैं। काउंट तो हमारे पास मैप है, मैप के अंदर हमने क्या पास किया है? ठीक है, अब ये एस आई का क्या मतलब है? एस आई, ठीक है, एस आई का मतलब क्या है? एस 0। ठीक है, एस 0 का क्या मतलब है कि 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एल? ठीक
ठीक है, ये चीज समझ आती है। ठीक हाँ है, तो अब काउंट के अंदर क्या किया है कि एक्चुअली में ये पढ़ा हुआ है, मतलब ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली में काउंट के अंदर एल पास हो रहा है, एस ऑफ आई जो है वो एल को लेके आ रहा है। ठीक है, एल जो है इस टाइम वो की है, ये जो कीज हमारे पास बनी पड़ी है, जो लेफ्ट साइड पे कैरेक्टर्स है ना, ये हमारे पास कीज हैं। ठीक है, अब हमने काउंट के अंदर जो एल पड़ा होगा ना, इसे सर्च किया, तो ये हमें हमने देखा है कि एल इक्वल टू वन है, तो इस केस के अंदर तो एल इक्वल टू वन है। ये देखेंगे नीचे जो फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, एल इक्वल टू वन आ रहा है, तो हमें फर्स्ट यूनिक करेक्टर मिल गया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जिसकी हमें फर्स्ट टाइम वन मिल रही है ना, वो हमें वही रिटर्न करवाना है, हमने इसको इंडेक्स रिटर्न करवाना है। तो जैसे ही हमें कंफर्म हो गया कि काउंट के अंदर जो हमने करेक्टर पास किया है उसकी फ्रिक्वेंसी वन की इक्वल है, तो जिस इंडेक्स से ये एस आई लेके आ रहे थे वही इंडेक्स रिटर्न करवा दो, यानी कि एल का इंडेक्स रिटर्न करवा दो, इस केस के अंदर जीरो होगा। ठीक है, ये इस तरह हम ये कर रहे हैं, ये चीज़ समझ आती है। ठीक जी है, तो इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि एल्स के अंदर आके ना, ये आप यही समझ लेंगे, अगर ये चीज़ नहीं चलेगी ना, तो ये इफ अगर नहीं चल रही, ठीक है, तो हम ये -1 में आ गए। लेकिन ये यहाँ पे एल्स क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये लूप अपना साइकिल मुकम्मल करे। हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एल मैंने लिखा हुआ है ना, इन केस यहाँ पे 4 लिखा होता, तो ये तो पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाना था, तो उसने फर्स्ट टाइम ही एल्स में आ जाना था। तो एल्स के अंदर अगर हम -1 रिटर्न करवा दें, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इस पूरी करेक्टर एरे पे ट्रैवर्स ही नहीं किया, हमने इसको विजिट ही नहीं किया। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए हमने फ़ौरन इफ के बाद एल्स नहीं लगाया, इस लूप के साइकिल ख़त्म होने के बाद हमने एल्स लगाया। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट ऐड करना चाहे, कोई पूछना ये जो रिटर्न चाहे। -1 किया आपने, तो -1 से क्या मुराद है? ये राइट माइनस साइड वन से का, थोड़ा हाँ, बिल्कुल, ये ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आपको नहीं मिल रहा ना, तो आपने रिटर्न -1 रिटर्न करा देना है, मतलब यानी लास्ट देखिए वाला जो होगा वो वाले उस वाले को वो उसके इंडेक्स को नहीं, लास्ट का नहीं। इंडेक्स नहीं होगा, मे बी देखें ना, पॉसिबिलिटीज चेक करें कि ये जो करेक्टर अरे है हमारे पास, इसके अंदर ये हो सकता है, या तो हमें यूनिक करेक्टर मिल जाए या हमें यूनिक करेक्टर ना मिले, यानी फर्स्ट यूनिक करेक्टर ना मिले। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी, मतलब कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई यूनिक करेक्टर ही नहीं आ रहा, वो नहीं मिल रहा, देन हमने क्या करना है कि कोई एक देन हमने -1 रिटर्न कराना है। -1 यहाँ पे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, याद रहे कि इंडेक्सेस इंडेक्सेस जो होते हैं ना, वो नेगेटिव में नहीं होते, ना कि -1, -2, -3 इंडेक्सेस नहीं होते। ठीक है, अलबत्ता हाँ, आप उसे जब स्लाइसिंग कर रहे होते हैं ना पाइथन के अंदर, तो आप -1 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐसा इंडेक्स है जो 0 से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है, -1 के अंदर आ रहा है। ठीक है, वो उस चीज़ का मतलब हो रहा है, बट इसलिए याद रहे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती, यानी -1 नहीं है आपका इंडेक्स, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से आगे तक। ठीक है, 0 से इस वजह से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि जो नंबर्स हैं ना हमारे पास, डेसिमल नंबर्स हैं, वो 0 से 9 तक हैं, फिर आगे उसके कम्बिनेशन हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आती है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को शुरू से समझ नहीं आया, तो मुझसे दोबारा भी देख सकते हैं। ओके जी, तो आई होप क्लियर होगा, चैट में भी आप पूछ सकते हैं अगर नहीं आ रहा समय तो। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बताइए। हाँ जी बताइए, गेस ऑफ करने अगर नहीं आ रही ना। ऑफ ऑफ एन हो गए। एन कैसे हुई है, बताइए, आपने बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि इसमें जो एफ की स्टेटमेंट है, फॉर लूप तो चलेगा अपना, ठीक है ना। इफ स्टेटमेंट में भी जो पहला वो आपको मिल जाएगा वो उस पे वहां पे जाके रुक जाएगा।
इन केस ये तो बेस्ट केस आ गया केस ना। में, हाँ तो इसमें ज्यादा तो चला नहीं आपका, मतलब अगर बहुत ज्यादा वो डेटा वो एलिमेंट्स हुए तो चलेगा, और अगर उसको नहीं मिल रहा है तो, वरना तो उसको अगर मिल गया तो वो हो जाएगा। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, हमने बेहतरीन तरीके से बता दी है। जो आपने पहले बात किया ना कि अगर हमें फर्स्ट इटरेशन पे ही ये मिल गया हाँ तो जी ये हमारा बेस्ट केस है, जिसके हमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ वन होगा, ये तो हमारा जी बेस्ट केस आ गया। जी बिल्कुल लेकिन हमने हमेशा वर्स्ट केस में जाना है, मशीन इंडिपेंडेंट होके ना, कि ये जो इन इन केस के हमें एरे के ना लास्ट पे ये एलिमेंट मिल रहा है, राइट तो देन ऑर्डर ऑफ एन होगी। ये आपने बिल्कुल ठीक बताई है। और ये आपने काउंट नहीं की, ये क्यों नहीं काउंट किया आपने? ये मैंने काउंट नहीं किया। इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन है, ऑफ एन अच्छा है, तो ये अच्छा लूप पैरेलल है ना, कोई भी नेस्टिंग नहीं हो रही, लूप पैरेलल है, तो अच्छा ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन हो रही है, विच इज एन। ठीक है, इस पूरे कोड की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है। ये ऑफ एन कैसे है? ये किसी को समझ ना आई हो तो प्लीज पूछे। तो स्पेस क्या होगी इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? इसके भी ऑफ वन होगी ऑफ वन कैसे होगी? नहीं, नहीं होगी पता नहीं, मतलब कुछ आपने सोच के बताया होगा। क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा ले नहीं रहा है ना ये। अच्छा टुडे इज माय लाइक फर्स्ट सेशन, तो मुझे ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में मुझे आइडिया नहीं है, तो अगर आप बता दें कि कैसे निकालेंगे। मैं बता देता हूँ, और उसे क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है आपको निकालनी। तो मैंने ही थी बहुत, मतलब लाइक एक दो साल हो गए कि कैसे होते थे, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये देखें, लाइन नंबर 5 में मैं क्या इंक्लूड करवा रहा हूँ। और ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? यानी एक अनऑर्डर्ड मैप जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एन वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। तो हमने बेसिक रूल ये याद रखना है कि अगर आप एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर अपने प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं ना, या किसी लाइन ऑफ कोड में लेके आ रहे हैं, तो मतलब कि आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, तो इस ए को ऐड करवाने से ऑर्डर ऑफ एन हो रही है, ठीक है, ऑफ एन हो रही है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ना होता, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कॉमेंट आउट कर दूँ, तो ये अब जो है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन है। रीजन ये है कि कोई एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो है ये हमारे पास इनपुट स्पेस है। ठीक है, इनपुट स्पेस नहीं हम काउंट कर रहे, जैसे आप क्या इसे कह लें, जैसे फेसबुक है, तो अब फेसबुक की एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल की हुई, उसका जो कोड है, जो साइज है, वो MB के अंदर है। क्या आपको ये लगता है कि जो फेसबुक हमारे फोन्स में इंस्टॉल हुई है वो सारा काम उसी एप्लीकेशन पे हो रहा है? क्या उसके बैकएंड पे कुछ नहीं है, कुछ सर्वर्स नहीं है, जैसे हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे इनका सब कुछ पड़ा हुआ है? तो हमारा कंसर्न जो है, जो हमारे डिवाइस पे काम कर रहा है, जैसे ये फंक्शन है, हमने हमने ये फंक्शन बना के कहीं पे इम्प्लीमेंट करना है, हमने सिर्फ ये देखना है ये जो फंक्शन हमने लिखा है ना, वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या है। ठीक है, तो ये ना एक ना आप ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ना, ये अगर आप नीचे आ जाएं, तो ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या? तो ये मैंने एक रिप्लाई किया था, तो ये भी आप लास्ट में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि ठीक है ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट और लीनियर ही हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है ना, ये भी ओ ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन, लॉग एन, एन लॉग एन, एन स्क्वेयर, एन क्यूब, एन टू रेज वाई, टू एन यानी एक्सपोनेंशियल, और एन फैक्टोरियल तक जाएगी।
और इसकी एक एग्जांपल भी थी कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है ना, हाँ वो क्या कह रहा है कि आपकी स्पेस को हर टाइम्स लॉग बेस 2 में लेके जा रहा है, तो ये लॉग ऑफ एन में चली गई है। ठीक है, इस तरह स्पेस भी आपकी चेंज होती है, ना कि ये सिर्फ ऑफ वन और ऑफ टू में रहती है। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि बड़ी आसान मिसालें हैं इसकी। जैसे आप मैट्रिक्स बना रहे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे से बन रहा होता है, तो जब आप एक रो इंसर्ट करवाते हैं ना, तो एक रो को इंसर्ट करवाने पे जो ऑपरेशन है ना, वो वन ऑपरेशन नहीं है, वो एक एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना वो ऐड हो रहे हैं, एन एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एरे के अंदर एक एलिमेंट 0th इंडेक्स पे वन एंटर कर दिया तो वो ऑर्डर ऑफ वन में हो गया। इसी तरह जो 2D एरे होती है वो एरे ऑफ एरे ही होती है, 1D एरे के अक्रॉस वो एरेज आपकी आके अटैच हो रही होती हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें, टाइम स्पेस या कोई भी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि आपने ऊपर बताया ना अभी कि ये ऑर्डर ऑफ एन स्पेस है, कॉम्प्लेक्सिटी अनऑर्डर्ड मैप से मुराद किया है यहाँ पे? मतलब आपने कहा डेटा अनऑर्डर्ड, स्ट्रक्चर इसमें एक, लेकिन इसमें तो एक ही जैसा डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे अनऑर्डर्ड मैप जो है। हाँ मैं बताता हूँ, जैसे एरे है ना वो डाटा स्टोर करता है। ठीक है, तो मैप भी इसी तरह है, ये दो तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड मैप होता है और अनऑर्डर्ड मैप होता है। ठीक है, तो ये इसे मैप क्या जो है कहते हैं, बिल्कुल एरे की तरह काम करता है या कुछ नहीं, डिफरेंट ये एरे एरे की तरह काम नहीं करता, ये इसके अंदर ये हो रहा होता है कि हर जो होता है ना आपका की वैल्यू पेयर के अक्रॉस हो रहा होता है काम। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि ना हमारे पास कुछ हैशिंग के फंक्शंस होते हैं। हैशिंग है? अगर आपने कभी की हो या गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना हैशिंग, तो ये बेसिकली उस पर इम्प्लीमेंट किया होता है ताकि इंसर्शन डिलीशन जो है ना हमारी, या सर्चिंग जो है उसकी, सॉरी सर्चिंग नहीं हम कह सकते, इंसर्शन एंड डिलीशन जो है ना लार्ज डेटाबेसेस में से, वो कांस्टेंट टाइम में हमारी इसको मेक श्योर करती है हैशिंग जो है ना। और अल्टीमेटली जो हैशिंग, अगर गुड हैश फंक्शन है तो हमारा जो हैशिंग का एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट होगा। मैं इसके अक्रॉस हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, ये जो बनाया है ना करेक्टर, करेक्टर टाइप का, हमने हम ये चाह रहे हैं कि करेक्टर टाइप की कीज हो, और कीज के क्रॉस जो वैल्यूज है ना वो इंटीजर टाइप की हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कोई और चेंज कर दें डेटा टाइप, तो आप चेंज कर सकते हैं कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। यहाँ पे आप लिख दें इंटीजर, लिख दें डबल, लिख दें यहाँ पे कुछ और लिख दें। इसके अंदर हो ही रहा है कि ना जैसे के है, के एक करेक्टर है उसके क्रॉस 1 मैंने लिख दिया है, एल एक करेक्टर है इसके क्रॉस 3 लिख दिया है, एम जो करेक्टर है उसके क्रॉस भी मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, जेड एक करेक्टर है उसके क्रॉस भी 1 लिख दिया है। ठीक है, अब हो ये रहा है कि जितनी भी ये कीज हैं, अगर मैं की के को एक्सेस करूंगा ना, इसका मतलब ये है कि मैं 1 को एक्सेस कर रहा हूँ, एल को एक्सेस करूंगा तो मतलब ये 3 को एक्सेस कर रहा हूँ, एम का मतलब है कि 1 को मैं कॉल कर रहा हूँ, और जी का भी सिमिलर मतलब ये है। इसकी वो एक बड़ी अलमारी हो जिसके अंदर काफ़ी सारे खाने हैं, और हर खाने के बाद ना वो लगा हुआ है आपकी उसको ओपन, वो बंद किया हुआ है और उसे हमने हर दफ़ा ओपन करना है। तो अगर मैं के वाली जो अलमारी है उसे मैं अगर पिक करूं, तो उसके क्रॉस मुझे ये 1 मिलेगा, एल के क्रॉस 3 मिलेगा, एम के क्रॉस 1 मिलेगा। लेकिन ये जो चीज़ याद रखने वाली है ना वो ये है कि ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज लिखी हुई है ना, यानी कि ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट इसकी होल्ड कर रही है, ये यूनिक होनी चाहिए। ये कभी भी ये नहीं हो सकता कि जैसे के है ना, तो के बाद एक और के मैं लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं कुछ मर्जी साइन कर दूँ, ये मैटर नहीं कर रहा मेरे पास, लेकिन ये वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिक्शनरी को यूज किया है क्या? एग्जैक्टली डिक्शनरी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया पहले, डिक्शनरी, बिल्कुल डिक्शनरी यूज़ की हुई है की वैल्यू पेयर। तो बेसिकली इसको C++ में अनऑर्डर्ड मैप, क्या ऑर्डर्ड मैप कह देते हैं, एग्जैक्टली इसे डिक्शनरी कहते हैं। जी
तो मैं कुछ चीज समझ आ रही है, कुछ मेक सेंस करी है? कोई पूछे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। ओके फिर कोई और वो कर लेते हैं आप, कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं अगर आपका कोई इसमें से क्वेश्चन ना हो तो, ठीक है। हाँ मैं ये चीज़ आप मैप जो है ना, आपने बस ये चीज़ देखनी है कि किस डेटा स्ट्रक्चर की ना मुझे किस टाइम ज़रूरत है। ये नहीं करना कि आपको आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अच्छा ये फलां चीज़ एफिशिएंट है। हो सकता है कि वो जो चीज़ एफिशिएंट है वो किसी और सर्कमस्टेंसेस में एफिशिएंट हो, ठीक है। तो बस ये देखना है कि जो गिवन सर्कमस्टेंसेस है ना उनमें से कौन सी चीज़ एफिशिएंट है। हाँ आपको ये भी पता हो कि कौन सी चीज़ जो है वो, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इस केस में एफिशिएंट है, और साथ साथ ये भी पता होगा कौन सी चीज़ इसमें इनएफिशिएंट है। आपको दोनों अप्रोचेज आनी चाहिए, ब्रूट फोर्स भी आनी चाहिए और बेस्ट अप्रोच भी आपको पता होनी चाहिए। या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैसेंजर क्वेश्चन को ओपन करता हूँ। अच्छा आप लोगों को लिंक्ड लिस्ट का आइडिया है? किस चीज का? लिंक लिस्ट। नहीं, चलें फिर वो रहने देते हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, ये तो आपको ये इच्छा हो रही होगी। तो क्वेश्चन है सीरियल 349 है दूसरा, तो गिवन टू इंटीजर एरेस नम्स 1 एंड नम्स 2, तो नम्स 1 है और नम्स 2 है, इन दोनों के अंदर इंटीजर स्टोर हैं। रिटर्न एन एरे ऑफ देयर इंटरसेक्शन। हमने एक तीसरी एरे रिटर्न करनी है जिसके अंदर नम्स 1 और नम्स 2 की वैल्यूज के इंटरसेक्शन होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के अंदर कॉमन हो, अगर ए में वो वैल्यू है तो वो बी में भी वैल्यू हो, यानी कि नम्स 1 में जो वैल्यूज हैं वही नम्स 2 में वैल्यूज हो। मीन्स के कोई ऐसी वैल्यूज जो नम्स 1 में भी है और नम्स 2 में भी है, उस सिंगल वैल्यू को उठा के हमने तीसरी एरे में डाल देना है। इसी तरह जितनी हमें कॉमन वैल्यूज मिलती जाएंगी दोनों में, उसे हमने तीसरी एरे में ला के रखवाते जाना है। बस इतना सा काम है। Each element in the result must be unique, and you may return the result in any order. कि जो हम आउटपुट लेके आ रहे हैं वो भी यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको कॉमन मिल रहे हैं 2,2,2, जैसे एग्जाम्पल 1 है, इसके अंदर आपको ये दो एलिमेंट्स जो है ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एरे में इंडेक्स 1 और 2 पे 2,2 पड़ा हुआ है, और 0,1 पे नम्स 2 में 2,2 पड़ा हुआ है। अब ये दो हैं तो सेम, ठीक है, तो अब होना तो ये चाहिए कि थर्ड एरे 2,2 रिटर्न करवाए, लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि वो ये रिक्वायरमेंट ये है कि हमने यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करवाने हैं, सही है। और एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई भी हो सकता है, कि इसके अंदर अगर हम देख लें
जैसे 495 है, इसके अंदर 94984 है, तो जो दो यूनिक सॉरी दो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो 9 और 4 हैं, ठीक है। फर्स्ट में 9 49 हमें मिल रहा है और इसके अंदर हमें 9 4, तो ये मतलब कि दोनों दोनों में है ना, दोनों एरेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने या तो हम 9 4 रिटर्न करवा दें या 4 9 रिटर्न करवा दें, ये चीज़ नहीं मैटर करती, ठीक है। बस आपने ऐसी ऐसे यूनिक कॉमन एलिमेंट्स दोनों एरेज के फाइंड करके एक थर्ड एरे के अंदर हमने रिटर्न करवाने हैं, ये चीज़ समझ आती है। जी और किसी और को अगर समझ नहीं आई तो वो मैं रिपीट कर सकता हूँ। चलें जी, तो आप लोग बताएं इसकी क्या अप्रोच हो सकती है इसे सॉल्व करने की। बताएं, सोचें थोड़ा सा। कोई भी आपके जेहन में आ रहे तो इट्स ओके। तो अगर हम ये अप्रोच देखें ना, तो इसके अंदर एक एरे बनाई है और एक हमने ना डिक्शनरी बनाई है, इसके ज़रिए हमने एलिमेंट्स फाइंड किए हैं और उन्हें हम एक तीसरी एरे को रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये है कि जो पहली एरे थी नम्स 1, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस जो ये जो कीज़ हैं उनको पहले हमने कीज़ बनाया और उन कीज़ के अक्रॉस 1 असाइन कर दिया, ठीक है। मैंने सारी एलिमेंट्स को ना 1 1 से हमने कह दिया कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू है ना की के अक्रॉस वो 1 है, ठीक है। इससे ये भी हुआ है कि ना आपके जो हैं एलिमेंट्स नम्स 1 के वो यूनिक हो गए हैं डिक्शनरी में जाने से, यानी कि न्यू डिक्शनरी में जो एलिमेंट है ना वो यूनिक है, ये चीज़ समझ आती है ये चीज़। एक दफा और रिपीट कर दीजिए प्लीज। इसमें जो डिक्शनरी हमने क्रिएट किया है ना न्यू डिक्ट के नेम से, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं ना नम्स 1 i, ये कोई ना कोई वैल्यू इवेल्यूएट करके ला रही है, यानी कि 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई जो नम्स 1 की वैल्यू है ना उसके अक्रॉस 1 रखवा दी हमने। सेकेंड आइट्रेशन के अंदर नम्स i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो नम्स यानी इंडेक्स नंबर 1 पे नम्स 1 की जो भी वैल्यू है वो इसने इस डिक्शनरी के अंदर एज ए की बना के ना रख दी है, ठीक है। तो उस की के क्रॉस 1 को साइन कर दिया। इस तरह नम्स 1 की जितनी भी एरे थी ना, जितनी भी उसकी लेंथ थी, हर एलिमेंट के क्रॉस जो वैल्यू है ना वो 1 जो है वो ऐसे क्या कहते हैं 1 असाइन कर दिया, ठीक है। तो आगे जो है ना वो ये जो है पाइथन का सिंटेक्स है वो तो हमारे लिए वैसे ही काफ़ी आसानी पैदा कर देता है। हमने किया ये है कि एक वही रेंज पे फॉर लूप लगाया, यानी फॉर आई इन नम्स, ये नम्स 2 पे अब लगाया, 2 की वैल्यूज़ पे 1 बाय 1 वैल्यूज़ को एक्सेस किया, हम इंडेक्सेस नहीं ले रहे। ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि ये जो लूप है और ये जो लूप है लाइन नंबर 5 पे, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों डिफरेंट लूप्स हैं। ये जो फॉर लूप लगी हुई है लाइन नंबर 5 में, ये हमें इंडेक्सेस पर लेके जा रही है, बट लाइन नंबर 8 वाली जो लूप है ये हमें डायरेक्ट उन इंडेक्सेस की वैल्यूज पर लेके जा रही है, ये चीज़ समझ आती है। जी जबरदस्त। अब जो है इफ आई इन न्यू डिक्ट
एंड आई नॉट इन आंसर, इस लाइन का मतलब क्या है? आंसर जो है वो एक हमने लिस्ट क्रिएट की है रिटर्न करवाने के लिए, लेकिन आंसर के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो हमने कहाँ से लाने हैं? ठीक है, आ तो नम्स टू से रहे हैं जो हमने नम्स टू पे देखा है, लेकिन नम्स टू के एलिमेंट्स जो है ना वो कंपेयर होंगे किस किस से? एक जो डिक्शनरी हमने बनाई है और एक जो आंसर की एरे बनाई है, ठीक है, इन दोनों से कंपैरिजन इनका होगा। ठीक है, याद रहे कि ये एक अच्छी अप्रोच का वाला क्वेश्चन है, मतलब ये अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, इसलिए जो है मे भी थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक ये ज़रा एक यानी कि अच्छा अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये लाइन नंबर 9 पे, ये इतना बड़ा चेक है कि इस लाइन से जो भी एलिमेंट पास होगा ना वो डायरेक्टली आंसर की एरे में अपेंड होता जाएगा। ठीक है, और वही आंसर की एरे हमारा रिजल्ट होगी जिसे हमने रिटर्न करवा देना है। ठीक है, अब ये चेक क्या कह रहा है हमें कि एक एलिमेंट आपने लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपने ले लिया ना, नम्स टू से जो एलिमेंट पिक किया है ना उस एलिमेंट को पहले देखा है क्या वो डिक्शनरी में है। ठीक है, तो अगर तो डिक्शनरी में है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। साथ में ये देखना है कि क्या वही एलिमेंट आंसर की एरे में है या नहीं। तो अगर तो वो आंसर की एरे में है तो ये कंडीशन फॉल्स कर देनी है, क्योंकि ये दरमियान में एंड का ऑपरेटर है ना, एंड के ऑपरेटर ने क्या करना है कि जितनी भी उसके साथ वैल्यूज वैल्यूएट हो रही है ना उसमें से ट्रू करवाना है। अगर तो ट्रू हो रही है तो हमने पास होना है, अदरवाइज नहीं हमने इसको पास होने देनी ये कंडीशन। ठीक है, करना ये है कि नम्स टू से एक एलिमेंट पिक किया, उसी एलिमेंट को सर्च किया डिक्शनरी के अंदर और उसी एलिमेंट को सर्च किया आंसर की अरे के अंदर। तो अगर वो एलिमेंट न्यू डिक्शनरी में है तो इट्स ओके, अगर वो ही एलिमेंट आंसर में है तो ये ओके नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यू डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो यूनिक हैं। ठीक है, नम्स वन के एलिमेंट है ना इसमें, तो डिक्शनरी में पास करने से ये एलिमेंट्स यूनिक हो गए। ठीक है, तो अब हमने न्यू डिक्शनरी और आंसर को एज ए यूनिक एलिमेंट स्टोर करने वाली कंटेनर्स हमने कंसीडर करना है। आंसर भी यूनिक ही एलिमेंट्स रखेगा क्योंकि आंसर को रिटर्न हमने यूनिक एलिमेंट्स वाली एरे करवानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ समझ आती है? अगर नहीं आती तो प्लीज़ बता दें। मतलब थोड़ी बहुत नहीं आई है, आ गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसे उसमें। ड्राई रन करते हैं ना तो और क्लियर हो जाएगी। इस एग्जाम्पल की जो आउटपुट आई है ना ये आपने देखनी है। अब हमने आपको ये तो पता है ना कि डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, इस बात से तो आप लोग एग्री करते हैं ना? जी ओके, तो हमने नम्स वन के जितने भी एलिमेंट्स थे ना, ठीक है, जैसे 1 2 2 1, ठीक है, इनको कहा कि आप डिक्शनरी के अंदर पास हो जाओ, ये सारी एरे जो है ना तो डिक्शनरी के अंदर चली गई। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये डिक्शनरी के अंदर गई होगी तो क्या वैल्यूज होंगी डिक्शनरी की? क्या वन 1 2 2 1 होंगी या कोई वन और होगी वैल्यू? वन होगी ना हर एक की, नहीं बिल्कुल 1 होगी, लेकिन नो ये कीज क्या होंगी? ये नम्स 1 तो हमने 4 एलिमेंट्स डाले हैं ना, 1 2 2 और 1, डिक्शनरी में क्या हमें मिलेगा? क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट्स नहीं है और डिक्शनरी तो होल्ड नहीं करती ना यूनिक एलिमेंट्स, और सॉरी मल्टीपल एलिमेंट्स, डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स। तो डिक्शनरी के अंदर 1 2 सिर्फ होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब आप ये समझ लें कि 1 और 2 है डिक्शनरी में, ये 2 1 तो उसके अंदर गया था बट डिक्शनरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, वो नहीं इसे एक्सेप्ट करी, डबल वैल्यूज नहीं आ सकती। 1 और 2 के क्रॉस ना 1 1 आ गया। ठीक है, अब ये देखें, जब मैंने ये इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाया ना तो ये देखें,
वन के क्रॉस वन है, टू के क्रॉस भी वन है, ठीक है, ये चीज़ समझ आती है कि जितने ठीक भी है। एलिमेंट्स हैं ना उनको वन से वन असाइन कर दिए उनकी वैल्यू इसका रीजन है। क्या है कि वन को वन असाइन किया है हर एक को? हाँ बिल्कुल, इसको आप वन से नहीं, अभी से जीरो से इनिशियलाइज कर, कोई एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें, किसी एक से इनिशियलाइज करना, ठीक है, अच्छा अच्छा बेसिकली इसे अच्छा यूनिक बनाने के लिए। अच्छा 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 हाँ मैं आपको बताऊं, आप इसे सेट बना दें, आप इसे सेट हाँ में पास कर दें, हाँ सेट में भी वैल्यूज यूनिक होती हैं, ठीक जी। है, वो कोई इसको बस यूनिक करने के लिए ना। यूनिक जो है कीज नहीं होती थी? अभी आपने ये तो बोला कि कीज आर यूनिक इन द डिक्शनरी। हाँ कीज, सॉरी अगर मैंने कुछ और बोला, तो कीज ही यूनिक है, कीज के क्रॉस जो वैल्यू है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमने बेसिकली ये जो नम्स वन की इनपुट एरे है ना इसको यूनिक बनाना है, ठीक है, ये जो अप्रोच है, आप इसको ओके सेट में पास कर दें, सेट में भी यही होता है कि यूनिक ही वैल्यूज होती हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं, तो उसमें डाल दें आप ये कीज के, सॉरी ये जो वैल्यूज वन वन हमने असाइन किए हैं ना, इससे आप चले जाएंगे, बच जाएंगे। अब वन वन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिंपल ये कि उसे इनिशियलाइज किया, जीरो जीरो से करते हैं, माइनस वन से करते हैं, ठीक है, तो डिक्शनरी तो हमने क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब जो लूप हमने रन करना है वो नम्स टू पे करना है, ठीक है, क्योंकि हम नम्स वन को तो ऑलरेडी न्यू डिक्शनरी में डाल चुके हैं, और न्यू डिक्शनरी में जाने की वजह से वो यूनिक हो चुकी है, उसकी वैल्यूज यूनिक हैं। अब हमारा जो कंपैरिजन का दारोमदार होगा ना वो होगा डिक्शनरी, और जो दूसरी अरे बच गई है यानी नम्स टू, ठीक है, तो आइए अभी से देखते हैं कि वो कैसे हो रही है, ठीक है। ये लूप जो है आई इन नम्स टू, आई हमें क्या ला के दे रहा है नम्स टू में से, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू लिख देता हूँ, आई जो हमें टू ला के दे रहा है, ठीक है। इफ टू इन न्यू डिक्शनरी, क्या टू न्यू डिक्शनरी में है, डिक्शनरी हमारे पास ये क्रिएट की हुई है, बल्कि इसे कॉपी ही कर लेते हैं और ऊपर ले आते हैं, तो वन और टू, यस टू है हमारे पास, ओके, इतना इतना इसे ट्रू हो गया, टू है न्यू डिक्शनरी में, क्या टू, हाँ ओके, एंड टू नॉट इन आंसर, यानी आंसर की जो एरे है क्या टू उसमें है या नहीं, तो यस इसके अंदर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। तो आंसर की एरे में क्या करो कि ना लिस्ट के अंदर क्या करो कि आंसर डॉट अपेंड आई, आई की वैल्यू टू है, तो ये जो हमारे पास लिस्ट बन रही है ना इसके अंदर टू पास कर दो, ठीक है, इतना सा काम है। अब नेक्स्ट, नम्स टू की जो सेकंड वैल्यू है यानी जब आई की वैल्यू वन होगी, तो ये टू यानी अगेन टू ही आ गया हमारे पास, इफ टू इन न्यू डिक्शनरी, यस टू तो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, से कंपैरिजन करने का ये मतलब तो नहीं है ना हमने डिक्शनरी से वैल्यूज को रिमूव कर दिया है, यस टू इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमने जो सेकंड चेक लगाया है ना टू नॉट इन आंसर, तो आंसर के अंदर तो टू ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, ये कंडीशन ही दोबारा चलेगी, ठीक है। देन ये आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, तो वो यहाँ पे सर्च करने आएगा क्या यहाँ पे कोई तीसरी वैल्यू है, तो तीसरी वैल्यू से जैसे नहीं मिलेगी तो वो ये साइकिल अपना इतना ब्रेक कर देगा, तो नेक्स्ट लाइंस को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, ठीक है। तो एंड में हमने जो है आंसर की एरे रिटर्न करवा दी है, क्योंकि आंसर की जो एरे है वो हमारे पास यूनिक वैल्यूज होल्ड कर रही है नम्स वन और नम्स टू के इंटरसेक्शन की। ये चीज़ अगर किसी को क्लियर नहीं हुई, कोई कन्फ्यूजन या कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है इसमें, कमेंट ऐड करना चाहे, ये रिटर्न वाला आप फिर से बता दें। ओके मैं बताता हूँ, रिटर्न हमें जो हमने एरे बनाई है ना, ये रिटर्न जो है ना आंसर की एरे इस स्टेटमेंट के अंदर एक एरे होल्ड कर रही है, ठीक है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ना कहीं पे किसी भी प्रोग्राम में, या कैसे कहते हैं किसी भी फंक्शन में, या कहीं पे इंडिपेंडेंटली कॉल होगा, या डिपेंड करते हुए किसी पे ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो ये अरे ये फंक्शन जो है ना इंटरसेक्शन का, वो हमें ये रिटर्न करवाएगा इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ रिटर्न की स्टेटमेंट से लेना देना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हमें क्या ला के दे रहा है, ठीक है, ये एक पूरी की पूरी एरे रिटर्न करवा रही है, तो आंसर याद में रखे। सिर्फ टू जी टू जी ही मिलेगा आंसर के उसमें। ANS जो है इक्वल टू हाँ टू ही बिल्कुल टू, पड़ा था। बिल्कुल टू पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली टू पड़ा हुआ है, ठीक है, तो
एरे है तो एरे ही, इसमें एक वैल्यू हो या जीरो वैल्यू हो या हम्म, जितनी भी वैल्यूज हो, वो चीज़ तो फर्क नहीं डालेगी ना इस रिटर्न के स्टेटमेंट। तो यस, टू ही आउटपुट मिलेगी इस एग्जांपल के केस में। तो यही क्वेश्चन समझ आया है? आया थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा काफी सा आसान है। चले ठीक है, तो अब इसकी आप स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं। ठीक है, ट्राई करें बताने की, इसे सोचें कि क्या हो सकती है। मैं लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। तो सोचें क्या होगी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम तो ज्यादा होगी, अब 2n या इस तरह से होगी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वो बनाई है, डिक्शनरी बनाई है, वो तो उसमें उसकी एक वजह डिक्शनरी से बनाई है, एक एरे बनाई है, एक बिल्कुल एरे दो बनाई चीजें है। बनाई हैं। हाँ, बिल्कुल, दोनों एक एक और बनाई हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा, ये नेस्टेड लूप नहीं है, ये एग्जैक्टली फॉर नेस्टेड पैरेलल। नहीं है, ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं। बहरहाल इसकी ऑफ एंड नहीं होगी, इतना पता है मुझे। नहीं, आप ये देखें ना, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में, छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, इसकी बताएं कितनी होगी। इतनी सी सिंपल लूप है, और तो कुछ नहीं करना, नहीं जो कि एन टाइम्स चलेगा। हाँ, तो हाँ, तो इसकी ऑर्डर ऑफ एन ऑफ इसकी, एन एग्जैक्टली होगी, ठीक है, तो इसकी कितनी हुई? इसकी भी उसी तरह से होगी, ऑफ एन होगी। ठीक है, ऑफ एन होगी, लेकिन ये आपने एक सिंटेक्स में देखना है। जहां तक मेरा ख्याल है ना, ये जो इन का ऑपरेटर है, इन का ऑपरेटर जो है ना, वो इसकी सिंगल आइटरेशन में पूरी न्यू डिक्शनरी को सर्च करेगा। यानी कि और इन का तो कुछ ऑपरेटर ज्यादा भी नहीं। ऑफ एन में लेके जा रहा है। हाँ, यानी कि इस लूप की जो है ना, आपने ये नहीं देखना सिंटेक्स क्या है, ये जो भी किया आपने, ये देखना है कि इसके थ्रू काम क्या हो रहा है, ये लाइन हमें क्या करवा रही है। ठीक है, तो ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी लाइन 9 की और 10 की, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि इन का ऑपरेटर जो है ना, ये एक ही टाइम में इसने पूरी न्यू डिक्शनरी को सर्च किया, इस और सर सेट इन के आंसर के ऑपरेटर ने साथ आंसर को सर्च भी। किया। तो ये इन का ऑपरेटर, फर्स्ट ऑपरेटर और सेकंड ऑपरेटर, इन दोनों की तो ऐड होगी। ठीक है, यानी कि 2n टू होगी, तो एन 2n होगी। मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, n के साथ, अच्छा। 2n स्क्वायर। तो 2 हमने रिमूव कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, तो एन स्क्वेयर रख ली हमने। अपेंड स्क्वायर जो है, ये भी कांस्टेंट टाइम के अंदर ही एक एलिमेंट को अपेंड कर देता है, एक ही ऑपरेशन में ना। होगी। यानी एक साइकिल में ऑपरेशंस तो मल्टीपल हो रहे होते हैं, यानी कांस्टेंट टाइम इसमें में। ठीक है, तो एन स्क्वेयर इसकी होगी और एन इसकी होगी, एन प्लस एन स्क्वेयर, तो टाइम तो हमारे पास एन स्क्वेयर हो गया है। ये चीज़ समझ आती है? हाँ जी, जबरदस्त। अब स्पेस बताएं, स्पेस तो इसमें बहुत आसान है, बड़ी वाजे है। स्पेस में इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि हमने दोनों का न्यू डिक्शनरी को भी क्रिएट किया है, हमने आंसर भी को भी, लिस्ट को भी, एरो को भी वो किया है, यानी दो नए तो डेटा स्ट्रक्चर हमने इनिशियलाइज कराए हैं। हाँ। तो ये दो जो हैं, ये पैरेलल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। कोई हमने कोई मैट्रिक्स नहीं बनाया, तो पूरी की पूरी इस तरह कोई मल्टी डायमेंशनल एरेज में नहीं गए। तो ये भी 2n है, यानी कि n प्लस n, लाइन नंबर 3 की इसकी n, ठीक है, और इसकी भी n, ठीक है, यानी इसे m कह दें तो, विच इज़ बल्कि इसे n ही कह दें, तो ये हमारे पास बन जाएगी n एन प्लस n, प्लस वन विच इज़ 2n, ठीक टू है, और बिग ओ की टर्म में हम देखें तो ये सिर्फ n बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो 2n है, लेकिन बिग ओ की टर्म में देखें तो ऑफ एन है। ठीक है, क्योंकि हम बिग ओ की बात कर रहे हैं, अगर हम दूसरी तरह बात करें तो वो तो हमें बहुत सारी और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसी के ऊपर ना, ये जो मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे ना, जो ये मैंने आपको बताया था कि ये स्पेस के बारे में ये जो रिप्लाई किया था मैंने, एक ये ये देख किस लें आप। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में? हाँ जी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आता है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। एक यहाँ पे एक और था,
ना कोड की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी हुई थी उसके अंदर, वो था ब्रिंग योर क्वेश्चंस में, तो ना हाँ ये किधर गया, ये आप देख लीजिएगा इसके अंदर। वो इनका क्वेश्चन ये था कि मुझे ये तो पता है कि बिग ओ के टर्म्स में क्या आ रही है, यानी इसकी एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं हम कह रहे हैं तो ये प्रॉपर स्टेप्स कैसे हो रहे थे, ये फर्स्ट लूप इतने 3n+3 टाइम्स चलाया, 3n+2, 4n+2, उस तरह इन द एंड ये जो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने की हमने ऐड करनी है, बाकी लूप्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इस तरह की एक इक्वेशन आ रही थी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से जो बड़ी टर्म थी वो हमने रख ली, इन द नो ऑफ n³ आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज आप देख लीजिएगा। तो